में भाजपा के दो दिग्गज नेताओं और स्टार प्रचारकों ने पवई और अजयगढ़ में आम सभाएं की। अजयगढ़ में जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब जब बिजली जाएगी शिवराज की याद आएगी। साथ ही शिवराज ने कहा कि कमलनाथ ने जनहितैषी योजनाओं को बंद करके काफी ज्यादा गरीबों का नुकसान किया है। वहीं मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पवई में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी की सरकार बनाओ और प्रदेश में बीजेपी लाओ, मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार गिरना तय है। मेरी गरीब बहन है बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में डालता था, वो 16,000 रुपया बंद हो गए। अरे और तो और बेटियों की शादी बंद, तीर्थ यात्रा बंद, एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो ये भाई गरीब के घर 4 लाख रुपया भिजवाता था, वो 4 लाख रुपया बंद। सामान्य मौत में 2 लाख रुपया भिजवाता था, वो 2 लाख रुपया बंद। अरे और तो और इस सरकार ने गरीबों के घर मौत हो जाए तो मैं कफन के लिए चिता के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया भिजवाता था, इस बेईमान सरकार ने वो कफन के भी बंद कर दिए। बहनों और भाइयों कफन के भी बंद कर दिए। देखिए इसको इस दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, हाउस ट्रेडिंग करना होती तो हम पहले दिन कर सकते थे, लेकिन जो सरकार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है, जिस सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए बिजली देना बंद कर दिया, जिसने दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना बंद कर दी, जिसने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना बंद कर दी, ऐसी जन विरोधी सरकार को रखकर करेंगे क्या? संयुक्त अतिथि